हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे इज संडे और सुबह के बज रहे हैं 7। आई एम एंड्रू, यू आर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। सुबह को इतना जल्दी कौन उठता है यार, ये सोच रहे हो ना? मैं उठता हूँ। एक्चुअली क्या है कि आज मेरा राइड है, वी आर गोइंग टू रुद्रा माता डैम। नाइस लोकेशन, नाइस रिसॉर्ट। And I'm going with my friend Robin. He rides a Suzuki Hayabusa. So let's not waste any time. Let's get out of here. Okay, jacket pehn liya. All I have to do is wear my gloves, my helmet, and I am ready to kill the road. You guys ready too? Let's go. Okay, so here is my baby. Ready to roll. How do you like it, guys? Okay, let's get out and let's get moving. Such a beautiful morning. थैंकफुल कर दे भाई, थैंकफुल। पेट्रोल पड़ा हमें टैंक फुल 900 रुपीस का। नाउ लेट्स नॉट स्टॉप एनीवेयर एंड जस्ट मूव। पेट्रोल पंप पे तो पेट्रोल पंप से आगे आ जाओ, ये रास्ते में थोड़ा गाड़ी का टक्कर हो गया था मेरा। आया हाँ, तो ये रतलाल से पहले हाँ थोड़ा रोड पे आ जाओ, मैं रोड पे खड़ा हूँ। रतलाल के पहले हाँ मैं आ रहा हूँ आगे ड्राइव करके। रतलाल से यानी ये बहुत टाइम से रतलाल आने ना, उससे पहले आ रहा हूँ चलाते हुए आ रहा हूँ। आ रहा हूँ साइड आ जाओ। आया Thank you.
रॉबिन रॉबिन हुड क्या हो गया? रास्ते से आ रहा था यहाँ से, मैं सीधा सीधा एक कार ने ओवरटेक किया, साइड का मिरर तोड़ दिया और ऊपर का स्पीड। कार ने ओवरटेक किया? नहीं नहीं, मैं तो सीधा आ रहा था, कार सामने से ओवरटेक कर रही थी। मालूम था उसको डिस्टेंस नहीं है तो बंदे साले ने ABS इमरजेंसी ब्रेक, समझा मेरे भाई? तो सही था उसका। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ABS। लुक एट दिस बीस्ट, हट रहे, बीस दिखा रहा हूं। लुक्स ऑसम इज़न्ट इट? वैसे तो अपना भी डूड हैंडसम है। Okay, so here's our breakfast. चाय और क्या भाई? चोकोस। चोकोस एंड मिल्क। एंड बाय द वे, ही इज रॉबिन। हाय। तबीयत ठीक नहीं भाई की, फिर भी आया मिलने। वाह क्या दोस्त है, ऐसा दोस्त सबको मिले भाई। यार दोस्त से प्यार है इसके लिए आया। सुना नहीं दिया, फिर से बोलना। दोस्त से प्यार है ना इसके लिए आया। सुना क्या भाई लोग, प्यार इंसान से क्या क्या करवाता है, बीमारी में राइडिंग भी करवाता है। बोलो कैसा है? अच्छा है, नाइस। ब्रेड खानी चीज जरा बोचा। सॉरी वेजिटेरियंस, अंडा बुर्जी। Okay, so this leads to the houses. Those are built behind. Let's check it out. I'll also show you the dam. Looks beautiful from here. I don't know how does it show in the video, but the live view is really very good, guys. It's really serene and peaceful. And here's the dam. Robin, dam kitna bada hai bhai? I think 3-4 kilometer ke andar phaila hua hai. Kutch ka sabse bada dam hai? Yes. Rudra Mata Dam. Okay, so this is the Rudra Mata Dam. Piche temple bhi hai. Temple ke naam se hi ye dam ka naam pada hai, Rudra Mata. Okay. So there is temple somewhere there. और ये डैम उनके नाम पे रखा गया, इट सीम्स। कितना किलोमीटर बोला है लंबा? 3-4 किलोमीटर्स लॉन्ग दिस डैम इज। एंड मगरमच्छ भी है? हाँ बहुत सारे, बहुत सारे मगरमच्छ भी है। ये टेंशन वाली बात हो गई भाई। सो हियर वी आल्सो हैव द पूल विथ नो वाटर, पूल विथ नो वाटर। पार्टीज होती यहाँ पे रात को, बट अगेन मे बी सीजनल, क्योंकि फ़िलहाल लोग बहुत कम रहे हुए हैं, शायद इसलिए देयर इज़ नो वाटर। एंड अगेन विंटर्स आर क्लोज, नवंबर दिसंबर में विंटर्स चालू हो जाती है यहाँ पे। इट गोज़ अप टू
8, 10, 12, 6 degrees also sometimes. तो उससे नीचे जाता है डिग्रीज आराम से, उससे भी नीचे जाता है। ऐसे ठंडी में कौन स्विमिंग पूल में जाएगा भाई। इज रियली वेरी क्वाइट गाइस, लेट मी शो यू द पूल। चल आते हैं। अरे थोड़ा नीचे चलते हैं यार। एक्चुअली वी आर नॉट अलाउड टू गो इन दैट एरिया बिकॉज ऑफ द क्रोकोडाइल्स एंड इवन टूरिस्ट आर नॉट अलाउड टू गो देयर। बट ये शहर तो अपना है भाई, अपन को कौन रोकेगा। Okay, you get a better view from here now. This is the dam. Pura khali kar diya. Wide and vast. Actually, this is the source of water people get locally. Also for these places here and for this resort over here. They pump out all the water from here and they use it. It's hot. गर्मी है भाई। लेट्स गो बैक। सो ऑल थैंक्स टू रॉबिन भाई जो हमको ये रिसोर्ट पे लेकर आए। आई मीन लास्ट टाइम जो राइड हुआ था उसमें मैं नहीं था, ये भाई लोग सब आए थे राइडर्स मेरे को अकेले छोड़ के। नहीं एक्चुअली उनकी गलती नहीं है, मैं बिजी था। आई वाज राइडिंग, आई थिंक आई वाज एट DGR अहमदाबाद। आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो तो या आई वाज देयर, तो मैं यहाँ पे नहीं आ पाया इसलिए मैंने रॉबिन भाई को बोला यार मेरी राइड मिस हो गई, चलो राइड करते हैं रुद्रा माता डैम रिसोर्ट। रिसोर्ट का नाम क्या है? Kutch Desert Resort. Kutch Desert Resort. If you guys want to be here, the name of the place is Kutch Desert Resort, and the name of the place is Rudra Mata Dam. It's in Kutch, Bhuj. उससे कुछ 6-7 किलोमीटर की दूरी पे ही है। Okay. Fine. भाई साहब यार तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आए। I really appreciate that. Thank you, भाई. हाँ, you're most welcome. और क्या, एक्चुअली कल भाई बोल रहे थे यार बड़े ब्लॉग ब्लॉग बना रहे हो साला, रॉबिन भाई किधर नहीं है तुम्हारा। तो मैंने बोला ऐसा मत बोलो, अपन ब्लॉगिंग करेंगे, मेरा डैम देखा हुआ नहीं है, रिसोर्ट देखा हुआ नहीं है, वहाँ पे भी चलेंगे और फिर ब्लॉगिंग करेंगे मस्त वाला एकदम। भाई का कुछ रिक्वायरमेंट था कि अलग जगह पे चलते हैं, कुछ नया देखते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है। रात को तो वैसे तबीयत बहुत लूज थी मेरी, सर्दी फीवर बहुत ज़्यादा था। फिर सुबह थोड़ा उठ के बोलने लगा कि चलो ठीक है अभी आज चलते हैं, भाई के साथ कुछ ब्लॉग ब्लॉग बना ले। थैंक गॉड मैं कैंसिल नहीं किया प्लान, क्योंकि मेरे साथ आजकल वैसे भी बहुत सारे धोखे हो रहे हैं। IBW का भी धोखा हो गया लास्ट वीक, और आज अगर ये धोखा देता तो मैं राइडिंग ही बंद कर देता इन लोगों के साथ, सोलो राइड करता जहाँ जाना है। यार अपना हाथ दुख गया। ओके चेंज करते हैं, हाथ चेंज करते हैं और साइड चेंज करते हैं। सो दिस इज माय लेफ्ट हैंड and Robin on my right. Yes. ये कहाँ निकले? ये पीछे की साइड में, बैक साइड जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ना वहाँ। अच्छा वहाँ पे? Yes. ओके। कैसा लगा जगह? अच्छा जगह है, नाइस प्लेस गाइस, यू शुड विजिट। आई मीन मैं भी यहीं का हूँ लेकिन मुझे पता नहीं इतनी सारी जगह है यहाँ पे, अब तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है। कितनी सारी जगह, माता का मढ़ है, नारायण सरोवर है, कोटेश्वर है, वाइट डेजर्ट है। ऑफ कोर्स वाइट डेजर्ट हैव बीन, बट अगेन दैट वाज इन 2008, 10 साल हो गए, बहुत सारा चेंज हो गया अभी। तब तो मैं कार में गया था, तब तो रोड्स बन रहे थे वहाँ पे, तब तो कुछ नहीं था जब मैं गया था। नहीं अभी रोड वैसे भी बहुत अच्छे हैं और हमारे राइडर्स भी वहाँ पे जाते हैं। सो ओके प्लान करेंगे नेक्स्ट टाइम, श्योर।
नेक्स्ट टाइम क्या अभी चल सकते हैं नेक्स्ट दिसंबर? हाँ चलो ठीक है, बिफोर 25th क्रिसमस से पहले। ओके यहाँ से बसता है चल। सो वी आर ऑल सेट टू गो। आई वुड लाइक टू थैंक रॉबिन फॉर ब्यूटिफुल राइड एंड ब्रेकफास्ट। रॉबिन भाई थैंक्स अ लॉट फॉर दिस राइड एंड फॉर क्या बोलेंगे ब्रेकफास्ट ट्रीट। थैंक्स अ लॉट। रेडी? आ एक जगह से थे अभी जाएंगे दूसरी जगह से, ऐसा? ओके ओके सो होपफुली विल गेट टू सी सेपरेट सेट ऑफ सीनरीज राइट नाउ। For all of my friends, viewers who don't know, just to let you know that Robin is my rider buddy. What I mean to say by rider buddy is we got other bikes in the group and most of them are Harley and Indian Scott and Tiger, but I mostly ride with Robin because he can catch up my speed or I can catch up his speed or we can match each other's speed and there's no waiting, there's no stopping. Edam jaane dene ka bindaas. So that I don't have to go slow with other riders. As I told in my previous vlog, it's really boring. I actually met Robin a year back when I wanted to go to Ahmedabad by road. My bike was in service with Triumph and he had a Harley that time. And he told me, Andrew bhai, main ja raha hu Ahmedabad, aapko chalna hai aapka bike lene? And I was like, chalo bhai chalta hu. And I would prefer going on a bike than going in a bus or going by car. Uske sath gaya main bike pe. I think he had Harley 48. Gaya wahan pe Ahmedabad, hum pahunche Ahmedabad se, maine apni bike li. Isko pata nahi kya ho gaya. We drove back home. एक हफ्ते बाद पता चलता है कि भाई ने अपनी हाली बेच दी, हायबुसा ले ली। बोलता है, एंड्रू भाई आपके बाइक को मैच करने के लिए मेरी हाली मजे वाली नहीं थी, मेरे को मजा नहीं आ रहा था। और आई कुड सी दैट यू आर वेटिंग फॉर मी। गाइस लुक एट दिस डैम, दिस इज द डैम एंड दैट वाज आवर रिसॉर्ट ओवर देयर। इट्स बिहाइंड दिस, यू कैन नॉट सी इट एक्चुअली, दिस साइड डैम right side, it goes right up till there and I don't know where. हाँ तो मैं बोल रहा था कि रॉबिन भाई ने बोला कि हम लोग अहमदाबाद से आ रहे थे तो मैं देख रहा था कि आप अपने स्पीड से थोड़ा स्लो चला रहे थे क्योंकि आपको मेरे लिए वेट करना पड़ रहा था बार बार, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बाइक ही चेंज कर देता हूँ। आपकी बाइक देखने के बाद, थ्री सिलेंडर एंड फोर सिलेंडर बजिंग साउंड सुनने के बाद, आई वेंट क्रेजी और इन्होंने ये बाइक ले ली। एंड इज रियली हैप्पी विद इट नाउ। बोलता भाई मजा आता है आपके साथ राइड करने में। वेल इवन आई एम हैप्पी टू गेट अ राइडर लाइक हिम। एंड वन गुड थिंग ही हैज इन हिम इज like whenever I tell him or I send a message in a group, any ride on this Sundays, and he's like,
हाँ भाई चलो, किसी भी चीज के लिए ऑलवेज रेडी टू राइड, आई मीन व्हेन इट कम्स टू राइड। भाई अहमदाबाद जाना है बाइक लेने, चलो भाई बाइक सर्विसिंग कराने जानी है अहमदाबाद, चलो IBW जाना है, चलो। एंड दैट्स व्हाट आई रियली लाइक अबाउट हिम, स्पॉन्टेनियस, अ सुपर्ब राइडिंग स्पिरिट, हैप्पी गाय। भाई का किस्मत खराब है, वो देखो मेरा भाई साहब का टूट गया। एंड इवन दैट स्विच, इफ यू कुड सी ऑन दैट एक्सीलेटर, आई विल शो यू ऑल, वेट, यू सी दिस? वो भाई साहब को लग रहा है मैं रेस लगा रहा हूँ, रुकने को नहीं होता है भाई को। देख देख देख, अबे रुक जा मेरे भाई, रुक जा, अबे रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, यू सी दिस गाइस? दिस एंड द मिरर, मिरर, यस मिरर, यस, ये और वो स्विच दोनों गया सुबह सुबह को जब आ रहे थे तो। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, छोटे मोटे में पत गया, कुछ बड़ा होता तो लेने का देने हो जाता, कुछ बड़ा होता तो लेना का देना पड़ जाता, कुछ बड़ा होता तो लेने के देने पड़ जाते, या लेने के देने पड़ जाते, कुछ बड़ा होता तो लेने के देने पड़ जाते। Yeah, excuse me guys on my Hindi, it's not that good but it's not that bad either, but yeah, usually I speak in Hindi and I speak in English both because my viewers watching this video might know Hindi, might know English, might know both, isliye dono languages, not just one. And I just realized, I was checking my video the other day, इससे पहले जो मैंने व्लॉग किया था, मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी निकल रही है, and now I realize why, I'll tell you, actually जो हेलमेट मैंने पहना है, it is really snugging my face, cheeks को literally दोनों तरफ से ऐसे दबा के रखा है, ऐसे ऊपर की तरफ, so speaking is not that easy in this right now. That's why I try to speak little slow so that I'm clear on my pitch and on my tone and on my voice. ठीक है, as long as समझ में आ रहा है। So that guys. तो हम आ गए हैं वापस राइट से, बहुत गर्मी है बाबा, राइड अच्छी रही, मजा आ गया, ट्रैफिक भी थोड़ा क्रेजी था लेकिन मजा आ गया राइड का। दो हफ्ते बाद लॉन्ग राइड किया, अप्रॉक्स 70 किलोमीटर्स वन वे, नहीं तो छोटे मोटे राइड 10 किलोमीटर के दायरे में तो होते रहते हैं, मॉर्निंग इवनिंग में ग्राउंड मारता हूँ, दैट इज नॉर्मल, बट आफ्टर सो लॉन्ग लॉन्ग राइड मजा आ गया। अरे उतर जा बाबा, ठीक है, बाल सब खराब हो गए, एनीवेज तो वीडियो को करते यहीं पे एंड, नेक्स्ट टाइम आएंगे दूसरे वीडियो के साथ, दूसरे की लोकेशन के साथ, तब तक के लिए सी यू। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज यूजुअल, एंड रिमेंबर वन थिंग, इट्स योर लाइफ, डू इट राइट, डू इट योर वे, सी या।